दोस्तों, ना दर्द ना पार्लर जाने की झंझट, अनचाहे बालों को जड़ से ख़त्म करने का एक बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी लेकर आ चुकी हूँ, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है। क्योंकि दोस्तों, अनचाहे बाल जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, अगर आप भी हो चुके हैं अनचाहे बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान, चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज का ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाई स्टेप डिटेल में बताई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखें, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खीरा, यानी कि कुकुम्बर। कुकुम्बर हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ के साथ कुकुम्बर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो कि अनचाहे बालों को जड़ से ख़त्म करने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आधा टुकड़ा कुकुम्बर लेना है और इसके साथ बाकी की चीज़ें भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसे आप अच्छी तरीके से छील लीजिएगा और छीलने के बाद यहाँ पर हमें करना है इसे ग्रेट। चाहे तो आप इसे मिक्सी में पीस के इसका जूस बना सकते हो, लेकिन ग्रेटर के मदद से ग्रेट करने से भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जूस हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसके साथ बाकी के चीज़ें भी एक एक करके मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें चाहिए कोलगेट वाइट पेस्ट। यहाँ पर आप जेल पेस्ट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आपको वाइट पेस्ट का यूज़ करना है। कोलगेट वाइट पेस्ट बालों को जड़ से रिमूव करने का काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सा केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ हम मिक्स करेंगे इनो। तो दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर इनो की जगह ना बेकिंग सोडा, यानी कि जो मीठा सोडा आता है ना, आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। इनो या फिर बेकिंग सोडा, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ हाफ चम्मच के करीबन ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। इनो या फिर बेकिंग सोडा डालने के बाद आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा झाग बनेगा, बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से ही कंटिन्यू 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि ये जो रेमेडी है अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाए। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद बहुत ही बढ़िया सा एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए, रेमेडी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चाहे तो यहाँ पर ना चंद बूंदे आप नींबू का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नींबू ना नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, जो कि इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन में कोई काले दाग धब्बे या फिर रैश वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आप चंद बूंदे नींबू का यूज़ कर सकते हो। तो अब चलिए देख लेते हैं इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। तो जो कि है, हमारे पैरों में सबसे ज़्यादा मोटे मोटे से हेयर होते हैं, और कुछ कुछ लोगों के हाथों पर भी काफ़ी मोटे मोटे से हेयर ग्रोथ रहते हैं। तो आप इस रेमेडी को हाथ पे या फिर पैरों पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस रेमेडी को हमें इस तरह से अप्लाई करना है, और जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, तो थोड़ा सा मतलब लगाते टाइम इसे थोड़ा सा मोटा लेयर पे लगाओगे। तो दोस्तों, जब हमारे हाथों में या फिर पैरों में हेयर होते हैं, तो हम उन्हें वैक्सिंग के थ्रू या फिर कई लोग रेजर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हेयर ग्रोथ और तेज़ी से होता है और मोटे मोटे से हेयर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आप इस रेमेडी को एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस रेमेडी को लगाने के बाद इसे सूखने के लिए हमें छोड़ना है, यानी कि आधा घंटे के लिए हमें इसे छोड़ना ही है, क्योंकि देखिए ये नेचुरल रेमेडी है, इसलिए दोस्तों ये वर्क भी धीरे धीरे ही करता है। तो जब आधा घंटा हो जाए, उसके बाद आप ले लीजिएगा टिश्यू पेपर या फिर आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उसकी मदद से हल्के से इस तरह से रब करते हुए आपको इसे पोंछ लेना है। तो देखिए दोस्तों, जितना एरिया तक इस रेमेडी को लगाया गया था, उस एरिया की हेयर बिल्कुल भी रिमूव हो चुका है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आपको रेजर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दर्द भी नहीं होगी, पार्लर जाने की झंझट भी नहीं है, घर बैठे ही आप इस तरह से अनचाहे बालों को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है, इस रेमेडी को अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहोगे, तो आपके हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और आपकी स्किन में काले दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, रेडनेस या फिर कोई रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल है, तो आपकी स्किन में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका स्किन और भी ग्लोइंग हो जाता है। हाँ, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, तो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद एक बार फिटकरी से मसाज कर लीजिएगा। अब दोस्तों, फेस के लिए मैं आपको अलग रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि जो पहले वाला रेमेडी है ना, उसे आप फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसलिए फेस के लिए ये रेमेडी भी बहुत पावरफुल रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है प्याज। प्याज
प्याज को आप छील लीजिएगा और आधा आधा टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इसकी प्याज की जो एक एक पपड़ी होता है ना, उसे आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। एक एक पपड़ी को निकालने के बाद इस पपड़ी में मौजूद होता है प्याज की एक पतली सी झिल्ली, तो उन्हें ना आपको इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पतली सी झिल्ली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है अनवांटेड हेयर को जड़ से और परमानेंट तरीके से ख़त्म करने में, ठीक है। तो ये जो पतली सी झिल्ली है ना, एक एक पपड़ी में आपको एक ही मिलेगा और एक बार के यूज़ के हिसाब से एक प्याज काफ़ी है। तो इस तरह से देखिए इतना सा झिल्ली मिलके तैयार हो चुका है। और ये जो प्याज है ना, इसका यूज़ आप सब्जियों में कर सकते हो। अब देखिए दूसरी चीज़ जो हमें लेना है वो है तुलसी पत्ता। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है या फिर उस टाइम आप तुलसी पत्ता का यूज़ नहीं ले सकते हो, तो तुलसी पत्ता की जगह आप कड़ी पत्ता का यूज़ भी कर सकते हो। 10 से 12 तुलसी पत्ता या फिर कड़ी पत्ता आप ले लीजिएगा। और उसके बाद इसे क्या करना है, इसे हमें कूट लेना है, खलबट्टे की मदद से कूट लीजिएगा। और साथ ही साथ जो प्याज की झिल्ली है ना, उसे भी हमें इस तुलसी पत्ता के साथ अच्छी तरीके से कूट के इसका पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। दोस्तों इस रेमेडी को या फिर इस पेस्ट को आप बना करके स्टोर नहीं कर सकते हो, जब जब आपको यूज़ करना है तभी आपको इसे तुरंत बना करके तुरंत ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों एक तो रेमेडी बहुत पावरफुल है, दूसरी चीज़ इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब देखिए इसके साथ हम मिक्स करेंगे नमक, सादा नमक जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, लेकिन बस चुटकी भर नमक आपको यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों नमक बालों की जड़ों को कमज़ोर बना देता है, इसलिए हमें नमक इसके साथ ऐड करना है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने अपर लिप पे, कनपट्टी में, जहाँ पर भी आपकी छोटी छोटी सी रुई है, अनवांटेड हेयर है, कई लोगों की पूरा ही फेस पे छोटी छोटी सी रुई होते हैं, तो आप इस रेमेडी को फिकर होकर के पूरा फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसे अप्लाई करने से पहले आप फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, यानी कि क्लीन कर लीजिएगा। और इस रेमेडी को आप पूरा फेस पे बेफिकर होकर के अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको पिंपल या फिर मुहासे जैसे समस्या है, तो वो समस्या भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसे लगाने के बाद आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ना है, ताकि ये रेमेडी अच्छे से वर्क कर पाए। उसके बाद इस तरह से आप हल्के हाथों से रब करते हुए इसे आप निकाल लोगे। थोड़ी देर के लिए इसे आपको इस तरह से रब करना है, उसके बाद आप टैप वाटर से मुँह को अच्छे से धो लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप अनचाहे हेयर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, तो इस रेमेडी को आपको डेली लगातार 3 मंथ अप्लाई करना ही पड़ेगा। दोस्तों इससे क्या होता है, तुलसी पत्ता, नमक, प्याज साथ में मिलकर के बालों की जड़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। आप जो आपकी फेस पे छोटी छोटी रुई से परेशान हैं, तो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको परमानेंट तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आजमाया हुआ बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, जो कि आपको ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।